हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ चुकी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल का मैच नंबर 59, जिसमें लास्ट की आईपीएल की दो फाइनलिस्ट टीम जो कि आमने सामने होगी, जहां पे एक तरफ धोनी की सीएसके तो दूसरी तरफ हम शुभम गिल की गुजरात टाइटंस देखने को मिलेगी। गुजरात जहां पॉइंट टेबल के सबसे नीचे स्टेबल है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की निगाह प्लेऑफ में जगह श्योर करने पे है। यह मैच आपको 10 मई को अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 6 मैच खेले गए, जिसमें से चेन्नई 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे गुजरात भी 3 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे अहमदाबाद की पिच स्लो है, यहाँ पे एवरेज स्कोर 170 के आसपास का, बैटर्स को यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग में इजी होगा, स्पिनर्स को यहाँ पे फायदा मिलेगा। लास्ट के कुछ मैचों बाद यहाँ बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 58% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 52% जीतने का चांस है, तो भी बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 48% जीतने का चांस है। वहीं अगर इनके एवरेज स्कोर की बात किया जाए, जो कि फर्स्ट इनका एवरेज स्कोर 171 है, तो वहीं पर सेकंड इनका एवरेज स्कोर 161 है। तो दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे चेन्नई ने टूर्नामेंट का जबरदस्त आगाज किया था, फिर टीम कुछ मैच हार गई। ओवरऑल बात किया जाए कि जो कि 11 मैच में से 6 जीत और 5 हार की प्राप्ति है। लास्ट गेम में टीम ने पंजाब को हराया, तो ओपनिंग में बात करेंगे जो कि रहाने के साथ कप्तान गायकवाड़ स्टार्ट कर रहे हैं। रहाने बहुत खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, इस मैच में उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, जबकि ऋतुराज बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में कोहली को टक्कर दे रहे हैं। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में डैरी मिचेल, शिवम दुबे हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ पे शिवम पिछले 2 मैच से 0 पर आउट हो जा रहे हैं। वहीं पे लो ऑर्डर में धोनी और जडेजा पर मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी है, जहाँ पे जडेजा भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट गेम में वो मैन ऑफ द मैच भी थे। अगर बॉलिंग में बात करें तो टीम 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई कर रही है, जिसमें से मुस्तफिजुर रहमान अब टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश लौट गए हैं वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए, जहां पे दीपक चहर भी चोट के चलते बाहर हो गए हैं। लास्ट गेम में मिचेल सैंटनर को खेलने का चांस मिला था, तुषार देश पांडे और शार्दुल ठाकुर 3 विकेट लिए थे। 4 क्लेशन में अब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे रविंद्र जडेजा और मोइन अली खेल रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड है, अजिंक्य रहाणे, डैरी मिचेल है, मोइन अली, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, तुषार देश पांडे, मिचेल सैंटनर, रिचार्ड ग्लेशन, शार्दुल ठाकुर। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो शेखर रशीद है, समीर रिजवी है, प्रशांत सोलंकी, रचिन रवींद्र है, मुकेश चौधरी है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि ऋतुराज गायकवाड है, शिवम दुबे, तुषार देश पांडे। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी गुजरात टाइटन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, केवल एक प्लेयर यानी हार्दिक पांड्या के जाने से पिछली 2 बार की टॉप टीम गुजरात का हाल इस बार बहुत ही परफॉर्मेंस खराब हो गया। टीम का परफॉर्मेंस इस साल अनकंसिस्टेंस रहा, टीम एक मैच जीतती है तो अगला मैच हार जाती है। टीम ने अब तक 11 मैच खेले, जिसमें से 4 ही मैच में जीत हासिल की है और 6 मैच हार कर टीम अब पॉइंट टेबल के सबसे नीचे हो गई है। टीम सही प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं कर पा रही है, यहाँ पे विलियमसन जैसे प्लेयर को टीम ने बेंच पर बैठा कर रखा, अब टीम के लिए टूर्नामेंट खत्म है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि शुभम गिल और दीवान शाह खेल रहे हैं, नंबर 3 पर जो कि साई सुदर्शन जो कि इस वक्त अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, वो टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर और शाहरुख खान खेल रहे हैं, शाहरुख खान ने लास्ट गेम में जबरदस्त बैटिंग करते हुए 37 रन बनाए, तो वहीं पर ऑलराउंडर राहुल तेवतिया, राशिद खान और विजय शंकर अब तक इफेक्टिव नहीं दिखे। बॉलिंग में बात करें जो कि राशिद आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, टीम का होना सबसे बड़ी कमजोरी है राशिद के लिए, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं दिखे हैं। अब तक राशिद सिर्फ 8 विकेट ही ले पाए, यहाँ पे नूर अहमद विकेट जरूर ले रहे हैं। लास्ट गेम में जहाँ पे आयरलैंड के जॉश लिटिल को चांस मिला था, उन्होंने 4 विकेट लिए थे। टीम ने जहाँ पे स्पेंसर जॉनसन को बाहर बिठा दिया था, इस गेम में उन्हें चांस मिल सकता है। वहीं पर मोहित शर्मा लास्ट कुछ गेम से बहुत महंगी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शुभम गिल है, रिधिमन शाह, डेविड मिलर है, साई सुदर्शन, विजय शंकर है, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान है, राशिद खान है, नूर अहमद है, जॉशुआ लिटिल है, मोहित शर्मा। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि दर्शन नलकंडे है, मानव सुथर है, उमेश यादव है, संदीप वॉरियर है और जयदव यादव है। अब आगे बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि शुभम गिल है,
साई सुदर्शन और आसिफ खान ने। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर गुजरात टाइटंस होगा, यहाँ पे नई को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।